नमस्कार, एके इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे सिंगल फेस मोटर का वायरिंग डायग्राम कैसा होता है, यानी कि सिंगल फेस मोटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ विशेष फॉर्मूला होता है, कुछ होता है, कुछ जानना रहता है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी वाइंडिंग करती है मोटर, उसमें 3 वायर बाहर निकालती है, और जो दुकानदार वाइंडिंग करते हैं उसमें 4 वायर बाहर निकलता है। ठीक है, तो दोनों में ये थिंकिंग करना है, ये जानना है कि कौन सा वायर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा मोटर सही चलेगी। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं, ये शॉप के दुकानदार जो आपको मोटर वाइंडिंग करके दिया हुआ है, उसका ये 4 वायर बाहर निकला हुआ है, जो कि S1, S2, R1, R2 से हम इसको निरूपित किए हुए हैं। ठीक है ना, इसको आइडेंटिफाई ऐसे किए हुए हैं। यहां पर ही जो है हमारा ये कैपेसिटर है। ठीक है ना, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर है, तो इसका हमको वायरिंग करना है। तो कहीं भी आप डायग्राम एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो कहीं भी आपको मोटर मिलेगा सिंगल फेस का, आप तुरंत वायरिंग उसको कर सकते हैं, यानी कि उसका पावर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर S2 और R2 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है ना, S2 और R2 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो जो जोड़ा जाएगा वो जो है पॉइंट कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ा जाएगा वो पॉइंट कॉमन हो जाएगा। अब हमारा S1 R1, ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे कि अब कैपेसिटर लगाना है, तो कैपेसिटर के एक वायर को स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, और एक वायर को जो है हम क्या करेंगे, रनिंग में जोड़ देंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब पावर सप्लाई हमको देना है, तो पावर सप्लाई जो है न्यूट्रल को हम लोग यहाँ पर रनिंग में दे दिए। ठीक है, और फेस को कॉमन में दे देते हैं, हमेशा फेस जो है कॉमन में दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा अगर वायर आए तो ऐसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर Z1, Z2, U1, U2, ठीक है, ये इंटरनेशनल है। ठीक है ना, क्या है, इंटरनेशनल कोड है। जैसे इंटरनेशनल कोड में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप जाइएगा, तो वहां पे Z1, Z1, Z2, U1, U2 मिलेगा वहां के मोटर में। ठीक है, तो उसको भी कनेक्शन करने के लिए यहां पर जो है कैपेसिटर लगाया हुआ है, और कैपेसिटर में यहां से हम पावर सप्लाई देंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहां पर क्या करेंगे, Z1 और U2 को जोड़ देंगे। ठीक है, सेम सेम, देखिए जैसा हम कर रहे हैं यहां पर किए हुए हैं, वैसा ही हम यहां पर भी करेंगे, तो जोड़ देंगे। और उसके बाद से कैपेसिटर का सप्लाई एक Z2 में दे देंगे, ठीक है, और एक U2 में दे देंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसको जो जोड़े हैं ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन, क्या हो जाएगा, ये कॉमन। ठीक है, तो जहां तक अभी मैं आपको बताया कि फेस हमेशा कॉमन में देते हैं, तो इसको क्या करिएगा, फेस को लिया के इस कॉमन में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और न्यूट्रल को क्या करेंगे, U2 में ले आके जोड़ देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिए ये U2 को न्यूट्रल में ले आके जोड़ दिए, तो यहां पर इस मोटर का कनेक्शन फाइनल हो गया। ठीक है, ये मोटर का कनेक्शन फाइनल हो गया। अब देखिए आगे, देखिए फैन में, फैन में क्या होता है, एक होता है स्टार्टिंग, एगो रनिंग, एगो कॉमन। ठीक है, 3 गो होता है। तो फैन में भी क्या करेंगे, कॉमन में हमेशा फेस लगना है, तो इसको फेस लिया के लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, फेस लगा दिए। अब देखिए कैपेसिटर का जो है सप्लाई यहां पर एगो दे दिए, ठीक है, एगो कैपेसिटर को इसमें दे दिए। ठीक है, और न्यूट्रल को उठाएंगे, और फिर यहां पर सप्लाई दे देंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझ लीजिए, ऐसे हम दे रहे हैं। ठीक है ना, रेड वाले से न्यूट्रल का सप्लाई दे दे रहे हैं कि समझ में आएगा। ठीक है, ये सप्लाई दे दिए, तो ऐसे में फैन का हमारा कनेक्शन फैन में ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे अगर कनेक्शन आप करते हैं, उसके बावजूद भी अगर मोटर उल्टा चलता है, तो अब देखिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि S1 है, S2 है, अब देखिए R1 है और R2 है। ठीक है, 4 गो पॉइंट है। ठीक है ना, तो
अगर हम कनेक्शन जो ये ऊपर वाला किए हैं उसी के फॉर्मूले पर हम आपको उसी के वायरिंग डायग्राम के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर ऐसा कनेक्शन हम किए हैं उसके बाद अगर मोटर उल्टा चल रही है तो क्या करेंगे, जो हम इसको शॉर्ट किए हैं S2 R2 को, तो हम क्या करेंगे S1 और R2 को यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा क्या बन जाता है, कॉमन, ठीक है, ये हमारा कॉमन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर का सप्लाई, मान लीजिए कि ये कैपेसिटर हम बना दे रहे हैं, तो कैपेसिटर का सप्लाई जो है एक दे देंगे किस में, यहाँ पर S2 में, ठीक है, एक का सप्लाई R1 में, ठीक है, R1 में एक का सप्लाई दे दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये R1 में सप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फेस और न्यूट्रल का सप्लाई दे देंगे, तब फेस हमेशा जो है फेस और न्यूट्रल का सप्लाई दे देंगे, तो इधर फेस लिख देते हैं इधर न्यूट्रल, तो फेस का सप्लाई सीधा इस कॉमन में ले आके दे दिए, ठीक है, और न्यूट्रल का सप्लाई ये R1 में ले आके दे देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मोटर का रोटेशन सीधा हो जाएगा, ठीक है, तो मोटर का रोटेशन जो क्या होगा सीधा हो जाएगा। तो मोटर का रोटेशन जब सीधा हो जाएगा तो फिर हमारा मोटर चलेगी, अगर उल्टा होता है तब तो ऐसा करेंगे, अगर सीधा रहेगा तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा यहाँ पर मैंने कनेक्शन बताया, यहाँ पर बताया और ये फैन का बताया, ठीक है ना। तो उसमें जो है देखिए, इसमें कैपेसिटर जो लगा रहता है वो परमानेंट कैपेसिटर रहता है, क्या रहता है, परमानेंट कैपेसिटर, ठीक है, जो कि 8 से 10 MFD का होता है, ठीक है ना। हमेशा जानिए कि कैपेसिटर जो है MFD में ही आता है, जिसका फुल फॉर्म माइक्रोफाइराइड होता है, ठीक है, माइक्रोफाइराइड होता है, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।